ड्रग्स की तस्करी के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां शहर के पांचपावली पुलिस की टीम ने बुधवार रात एमडी ड्रग्स की तस्करी के दो अलग अलग मामलों में आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनके तार मुंबई से जुड़े हुए हैं और इस मामले में अभी कई आरोपियों की गिरफ्त बाकी है। जानकारी के मुताबिक पांचपावली पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बुधवार रात को मुंबई से एमडी ड्रग्स का एक कंसाइनमेंट आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और सफलतापूर्वक पुलिस को आरोपी आशा नगर के एनएमसी ग्राउंड के पास आखिरकार मिल ही गया। जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 26 ग्राम 150 मिलीग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। जब आरोपी वसीम खान इमदाद खान मुंबई निवासी से इस संबंध में अधिक पूछताछ गई तो आरोपी ने बताया कि यह एमडी ड्रग्स मकसूद अहमद अमीनुद्दीन मलिक नामक व्यक्ति, जो कि रिकॉर्ड आरोपी है, इसे देने के लिए लाया गया था। जब पुलिस ने आरोपी से पूछा कि उसे यह एमडी ड्रग्स कहां से मिला तो आरोपी ने बताया कि मुंबई से मोहम्मद सऊद नामक एक व्यक्ति का खुलासा हुआ, जिसने आरोपी को ये ड्रग्स दी थी। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में दोनों ही आरोपी है, जबकि एमडी ड्रग्स आरोपी को देने वाले मुंबई के मोहम्मद सऊद की तलाश पुलिस रही है। पुलिस द्वारा संदेह जताया जा रहा है कि इस मामले में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं। कल रात में हमारे तपास पथक जो है उसके जो विजेंद्र यादव का जो पथक है उसमें है नितिन वर्मा, अपना पवन मिर्जा, उसके बाद में दूसरी पार्टी है लक्ष्मण शेंडे की टीम के है किशोर, उसमें चौहान, इन सबको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भैया मुंबई से कंसाइनमेंट आ रहा है ड्रग्स का एमडी का, तो चक्कर में हमने ट्रैप लगाए थे, उसमें परमिशन वगैरह लिए, स्टेशन डायरी वगैरह किए और ट्रैप लगाए, तो बंदा हमको लक्ष्य जो सलीम स्पोर्ट्स ग्राउंड है आशी नगर ग्राउंड के बिल्कुल एनएमसी ग्राउंड के बाजू में, वहाँ पे वो बंदा मिला हमको, उसको सर्च वगैरह किए तो उसके पास से हमको 26 ग्राम 150 मिलीग्राम एमडी जब्त किए। रिसर्च जब्ती पंचनामा कार्रवाई वगैरह करके हमने उसको थाने में लाया, गुना दाखिल किया, अरेस्ट किए। उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि भैया एमडी किसको देने आया था, तो उसने बताया मकसूद करके एक बंदा है, उसका नाम मकसूद अहमद अमीनुद्दीन मलिक, जो रिकॉर्ड वाला आरोपी है यादव नगर यशोदा नगर में रहता है, उसको देने के लिए लाया था उसने। फिर मुंबई से उसको किसने दिया इसके बारे में पूछे तो मुंबई में उसका मोहम्मद सऊद नाम का एक बंदा है जो मुंबई में रहता है, उसने उसको कंसाइनमेंट दिया था। अभी 2 आरोपी अरेस्ट है, एक आरोपी मुंबई का वो पाईजी आरोपी है, एक पीसीआर के लिए हम जा रहे हैं। अब जो अपने आरोपी को जो अक्यूज किया अरेस्ट किए हैं उसका नाम है वसीम खान इमदाद खान, रहना कमल नगर रमन नगर झोपट्टी मुंबई। अभी उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो मकसूद को बेचने के लिए मुंबई से नागपुर आया था, तो मकसूद को तो हमने अरेस्ट कर लिए है। अब जो कंसाइनमेंट उसको मुंबई में दिया था मोहम्मद सऊद को, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चालू है, आगे भी तपास बढ़ सकता है, कुछ और आरोप निष्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अभी तपास प्राथमिक स्टेज में रहने की वजह से हम सब कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसी के साथ ही दूसरी कार्रवाई में गुना शाखा पदक नागपुर की टीम ने पांचपौली पुलिस को एमडी की कार्रवाई में शिकायत दर्ज करने के लिए भेजा था, जिसमें एक आरोपी टेका निवासी इरफान इसरार अहमद मलिक पहले से ही गिरफ्तार था। कार्रवाई संबंधित पुलिस ने एक अन्य आरोपी सनी जयराम लाल मखीजा को बुधवार रात गिरफ्तार किया, जिसके पास से कुल 21 ग्राम एमडी जब्त की गई है। इस मामले में पुलिस को अन्य दो आरोपियों की भी भागीदारी होने की बात पता चली, जिस पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इनसे कुल 2,87,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। गुने शाखा पथक जो है नागपुर में, उन्होंने एमडी की कार्रवाई करके हमें अपराध गुना दाखिल करने के लिए दिया था, उस पर एक आरोपी अरेस्ट था इरफान अहमद इसरार अहमद मलिक, वह 42 वर्ष राणा टेका पंचशील रोड, उसके आधार पर हमने एक जो आरोपी था सनी जयराम लाल मखीजा उसको कल रात में अरेस्ट किया है और टोटल एमडी जो है वो 21 ग्राम हमने जब्त की है। और अभी 2 आरोपी है, इसमें अभी प्राथमिक स्टेज तपास होने की वजह से अभी आगे का पीसीआर के लिए अभी हम जा रहे हैं। दोनों आरोपी के नाम, पहला आरोपी जो है इरफान अहमद इसरार अहमद मलिक, उम्र 42 साल, रहना ताजनगर टेका पंचशील रोड पाचपोली नागपुर। दूसरा आरोपी है सनी जयराम मखीजा, देवी नगर राय आशाना बिल्डिंग। इसमें जो सनी मखीजा है इसके ऊपर इसके पहले भी एनडीपीएस के एमडी से गुने दाखिल है, वो रिकॉर्ड में आरोपी है, अभी तपास प्राथमिक स्टेज में है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है। टोटल इसका मुद्देमाल हमने 2,87,000 का जब्त किया है। ये अभी एमडी की कंटिन्यू तीसरी कार्रवाई है, इसके पहले हमने रोशन राज मेश्राम और विशाल मेश्राम के ऊपर दोनों बंदों पर कार्रवाई किए थे, उसके बाद ये है दो बंदे, और अभी कल ही हमने और 2,80,000 रुपये का माल पकड़े, उसमें 2,60,000 की एमडी है, 20,000-15,000 का उसका मोबाइल है और 2,000 रुपये के पास कैश मिली। बता दें कि शहर में आए दिन एमडी से जुड़े मामलों का पर्दाफाश पुलिस द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल एमडी से जुड़ा यह तीसरा मामला उजागर हुआ है, जिसमें पुलिस अभी भी कार्रवाई कर रही है। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।